ब्रोक्रेसी के बारे में हम जानते भी हैं और ब्रोक्रेसी की बात भी करते हैं। ब्रोक्रेसी के लिए बहुत सारे लोग एस्पायरेंट भी होते हैं, तो ब्रोक्रेसी है क्या? ब्यूरो का मतलब ऑफिस होता है, तो ब्रोक्रेसी बेसिकली दो ग्रुप्स आप कह लें, या आप ये समझ लें कि दो तरह के लोगों के ग्रुप का मजमुआ कह लें, यानी एक सिविल सर्वेंट्स, ब्रोक्रेसी बेसिकली सिविल सर्वेंट्स और पब्लिक ऑफिशियल्स से मिलके बनने वाले इंतजामी ग्रुप को कहते हैं ब्रोक्रेसी। अब सिविल सर्वेंट्स कौन है? सिविल सर्वेंट्स वो ग्रुप है जो कंपेटिटिव एग्जाम के जिस भी मुल्क का है वो एग्जाम्स दे के वो उसका हिस्सा बने होते हैं। ऑफिसर्स और उसके अलावा फिर जो दूसरे अफराद हैं जो ऑफिसर रैंक में नहीं हैं, वो एक प्रोसीजरल तरीके से उनकी इंडक्शन हुई होती है और वो फिर उसके बाद वो रिटायरमेंट तक या टिल द मोमेंट दे चेंज देयर ओन ऑफिस वो वहाँ पे रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ पब्लिक ऑफिशियल्स की अगर आप बात करें तो पब्लिक ऑफिशियल्स वो लोग होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं। अब दोनों का ताल्लुक बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, मिनिस्टर और मिनिस्ट्री, यहाँ पे आपको ब्रोक्रेसी का फर्क वाजह हो जाएगा क्योंकि हैं तो दोनों एग्जेक्टिव ब्रांचेस। जब हम बात करते हैं कि पॉलिटिशियंस का किरदार एग्जेक्टिव के थ्रू कितना बढ़ जाता है, तो वो हम बेसिकली मिनिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं, मिनिस्टर की बात कर रहे होते हैं। मिनिस्टर का मतलब ये है कि वो पूरी मिनिस्ट्री को हेड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वजारत तालीम से ताल्लुक रखता है और उसको और वो उसमें अफसर है, जो भी रैंक है उसका ऑफिशियल अफसरी के अंदर, तो वो एक परमानेंट वहाँ पे एम्प्लॉई है, उसकी पोजीशन जो है वो परमानेंट है, लेकिन उसको हेड करने वाला इलेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। हो सकता है आज जो वजीर तालीम है वो कल ना हो, कल कोई और हो, तो परमानेंट होना क्यों जरूरी है? परमानेंट होना इसलिए जरूरी है ताकि हेड जो है अगर चेंज होता भी है तो नीचे कोई खास चेंज ना आए, जो उनके उनके साथ काम करने वाली हायरार्की है वो नहीं तब्दील होती, वो वैसे ही रहती है। इट मींस कि जब भी कभी तब्दीली आएगी, जब भी कभी चेंज ऑफ कमांड आएगी, तो वो तब्दीली फैसला साजी के ऊपर उस तरह से असरअंदाज नहीं होगी कि हम कहें इसे तो कुछ आता जाता ही नहीं है, इसे तो कुछ पता नहीं, क्योंकि उसको गाइड करने के लिए ट्रेंड लोग मौजूद होते हैं जो उस मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। सो ब्रोक्रेसी जो है वो बेसिकली सिविल सर्वेंट्स और पब्लिक ऑफिशियल से मिल के वो इंतजामी ग्रुप बनाते हैं जिसको हम ब्रोक्रेसी। थैंक यू।